देखिए भैया, पहले चैप्टर का नाम है भैया ग्रेविटेशन। ठीक है, देखिए भैया ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन, ठीक है, तो भैया ग्रेविटेशन क्या है भैया? तो एक फोर्स है जो कि दो मासेस के बीच में लगता है। क्या आता है वो फोर्स जो दो मासेस के बीच में लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटेशन फोर्स। क्या कहते हैं उसे? द फोर्स इन बिटवीन टू मासेस इज नोन एज द अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स इन बिटवीन टू मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर आता है ग्रेविटी। क्या आता है? ग्रेविटी क्या होता है? तो इट इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या होता है भैया? ग्रेविटेशन का क्या है भैया? स्पेशल केस है। क्या है? इट इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इन विच वन ऑब्जेक्ट इज अर्थ। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अर्थ। इन विच वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अर्थ। कह रहा भैया ये ग्रेविटेशन का स्पेशल केस है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, उनके उनमें से क्या क्या होना चाहिए? एक ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अर्थ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये लिखा हुआ, इट इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इन विच वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अर्थ। ये भैया, ये भैया आपकी अर्थ और ये है आपका ऑब्जेक्ट। हे भैया, इनके बीच में जो भी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्रेविटी। होता है ग्रेविटेशन फोर्स ही है, लेकिन ये स्पेशल केस आ जाता है। इसमें एक ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए भैया? कंपल्सरी है। क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। अगला, एक मिनट लीजिए, उसके बाद का लीजिए। ग्रेविटी इक्वल्स टू में वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी मैं ग्रेविटी बोलूंगा तो ध्यान रखना कि वो हमेशा ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है। ग्रेविटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेट, यानी आपके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है वो आपके वेट के बराबर है, या किसी के ऊपर जो भी ग्रेविटी लग रही है अर्थ की, वो उसके वेट के क्या है? बराबर है। ध्यान दीजिएगा भैया। अगला, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट और ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? ऑफ डायरेक्शन, ऑफ डायरेक्शन टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ। कह रहा भैया आपकी जो ग्रेविटी है ना, वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है भैया? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है। ये भैया बॉडी, इसके ऊपर लग रही है भैया ग्रेविटी, और कहाँ लग रही है? अर्थ के सेंटर की तरफ। कहाँ लग रही है? तो ऐसी चीज जिसके पास एक डेफिनेट डायरेक्शन हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अभी लिखने से आगे बढ़ता हूं, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं इसको वेट इक्वल्स टू में एम जी वेक्टर। एम जी आंसर ना क्या होता है? ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वेट खैर अभी अभी तो ये कर रहे हैं, बाद में इसको ड्राइव भी कर देंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया उस वक्त वीनस की ग्रेविटी की बात होगी ना, तो तेरे को वीनस पे आना पड़ेगा। हाँ, वीनस को जो प्लेनेट रहेगा, अगर वीनस की ग्रेविटी की बात होगी तो ऑब्जेक्ट और वीनस, मार्स की ग्रेविटी की बात होगी तो मार्स और इट इज दिस स्पेशल की। चलो लिख लो, पहले लिख लो, काम करो, लिख लो। देखिए भैया, आपको बताया था वैसे कि भैया ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो चार, भाई प्लीज बोलिए मत, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो चार फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फोर्स होता है। हमारे पास नेचर में चार फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। फंडामेंटल फोर्स मतलब बेसिक फोर्स, जिनकी वजह से पूरा यूनिवर्स क्या हो भैया? बना है। पहला फोर्स का नाम है भैया आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
क्या होता है? ये आप जानते हो भैया, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एटम की न्यूक्लियस में रहते हैं एक साथ, तो इनको जो एक साथ जोड़ करके रखता है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहते हैं? एक होता है भैया वीक न्यूक्लियर फोर्स। जब न्यूक्लियस बहुत हैवी हो जाती है, न्यूक्लियस क्या होती है भैया? भारी हो जाती है, तो न्यूक्लियस क्या होती है? अनस्टेबल हो जाती है। क्या होती है? अनस्टेबल। ठीक है भैया। अब वो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करती है? टूटने लगती है। ठीक है भैया। इस टूटने के दौरान में जो न्यूक्लियस को, जो उन टुकड़ों को बाहर की तरफ फेंकता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहते हैं उसे? ये भैया, ये सेकंड नंबर का फोर्स है, जो इसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जब न्यूक्लियस भारी हो जाती है ना, खैर अभी तो आपको पढ़ना नहीं है, 12th में पढ़ना है इसको। जब न्यूक्लियस आपकी भारी हो जाती है तो न्यूक्लियस क्या होती है? अनस्टेबल हो जाती है। अब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो चुकी है तो उसको स्टेबल करने के लिए उसके अंदर से छोटे छोटे टुकड़ों को क्या किया जाता है? अंदर से बाहर की तरफ फेंका जाता है। इसमें अल्फा बीटा और गामा सुना होगा आपने, ये पार्टिकल्स निकलते हैं, साथ में कुछ एनर्जी भी निकलती है। जिस फोर्स की वजह से निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया? वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहते हैं उसे? फिर एक फोर्स आता है भैया, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चुंबक के बीच में लगने वाला फोर्स, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं? और सबसे लास्ट में और सबसे वीक जो फोर्स होता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे भैया? जितने भी चार फंडामेंटल फोर्सेस है उनमें सबसे वीक की इसी की वैल्यू होती है। ठीक है भैया, समझ गया? तो लेकिन इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आज अपने अस्तित्व में, या आप बने हुए, मैं बने हुए, या जिन भी एटम्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, वो सब क्या भैया? इसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बनते हैं। होता क्या भैया कि इसका रोल जो होता है वो होता है स्टार फॉर्मेशन में। कहां पे होता है? देखिए भैया, स्टार्टिंग में मैं ये वैसे सिलेबस की बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका रोल कहां पर है। ठीक है, बाकी और आपको पता ना, धरती से अटैच रखता हमें, दो सूरज के चारों ओर धरती की परिक्रमा जो होती है, रिवोल्यूशन होती है, वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होती है। ठीक है, स्पेस में बहुत सारे हाइड्रोजन के ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसे बादल कहते हैं, हाइड्रोजन क्लाउड। ये केवल हाइड्रोजन है। ठीक है भैया, अब क्या होता है कि हो सकता है दो तीन हाइड्रोजन मिल करके क्या हो, एक जगह इकट्ठा हो जाए। अब जहां पर ये हाइड्रोजन ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर मास क्या होता है? बढ़ जाता है उस चीज का, और मास बढ़ने पर ग्रेविटी क्या होती है? खींचने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। अब ये क्या करता है? और भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है, और धीरे धीरे क्या होता है? इसका मास बढ़ता रहता है और ग्रेविटी क्या होती है? इसकी बढ़ती रहती है। फिर ये दूर के मॉलिक्यूल्स को खींचना चालू कर देता है, और धीरे धीरे जो क्लाउड था वो धीरे धीरे एक कोर की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, मतलब ये कई लाइट ईयर में फैला हुआ बादल है आपका, क्लाउड है। ठीक है, और ये मात्र कुछ लाख किलोमीटर की रेडियस में आके क्या होता है? कंप्रेस्ड हो जाता है पूरा का पूरा, जिसकी वजह से इसका मास काफी ज्यादा होता है, ग्रेविटी भी क्या होती है? काफी ज्यादा बन जाती है, हो जाती है। और इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन में क्या होता है कि भैया हाइड्रोजन, अब देखिए फ्यूजन बहुत ज्यादा ग्रेविटी बढ़ चुकी है, क्या होती है? इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़, खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो सबको क्या करता है? सेंटर की तरफ खींचता है ऐसे करके। जब सब मॉलिक्यूल्स को सेंटर की तरफ खींचेगा तो भैया और ग्रेविटी इसकी बढ़ती जाएगी। अब इतनी ग्रेविटी बढ़ गई है कि दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके क्या बन जाएगा भैया? हीलियम। क्या बन जाएगा? इसे छोटे छोटे एटम्स मिल करके एक बड़ी न्यू एटम का जब निर्माण होता है उसे कहते हैं भैया फ्यूजन। क्या कहते हैं भैया? फ्यूजन। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, सूरज से जो हमारी तरफ एनर्जी आती है वो इसी प्रोसेस के द्वारा आती है। अभी सूरज इसी स्टेज में चल रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज कर रहा है। जब सारी हाइड्रोजन फ्यूज हो जाएगी तो केवल क्या बचेगा? हीलियम। क्या बचेगा? अब ये तीन हीलियम मिल करके बना देंगी कार्बन, एक कार्बन, सॉरी कार्बन सी होता ना, कार्बन, एक कार्बन बन गया। ठीक है भैया, और जब कार्बन बन गया तो अब तारा अपनी मौत के पास आ रहा है, स्टेज उसकी पास में आ रही है। ठीक है, अब जब कार्बन मिल गया तो भैया कार्बन कार्बन कई सारे कार्बन मिल करके भैया बहुत सारे दो कार्बन मिल करके सिलिकन बनाते हैं, सिलिकन से कुछ सिलिकन मिल करके भैया आयरन बनाते हैं। जब स्टार की कोर में केवल आयरन बन जाता है, सारा मटेरियल खत्म हो जाता है, यहां से यहां पहुंच जाता है पूरा का पूरा मटेरियल, तो अब क्या होता है भैया? आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, आयरन दूसरे एलिमेंट से काफी ज्यादा भारी होता है। अब स्टार के कोर में कौन बचा है? केवल आयरन बचा है। ठीक है, अब और आपको बता दूं, आप पढ़ोगे 12th क्लास में न्यूक्लियाई चैप्टर, न्यूक्लियाई में एक कर्व आता है जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कर्व में सबसे ऊपर यही होता है, जो सबसे ऊपर होता है वो बाइंडिंग एनर्जी में वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और जो स्टेबल है उसको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती। ये भी ये स्टेबल है। अब स्टार की न्यूक्लियस में ये आयरन कोर बन जाता है, और आयरन कोर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत भारी होता है। अब एक स्टार को बैलेंस करने के लिए दो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है। अब ये बाहर की तरफ फोर्स आता है, इसे कहते हैं भैया एनर्जी थ्रस्ट। क्या कहते हैं इसे? एनर्जी थ्रस्ट।
जो कि इस फ्यूजन प्रोसेस की वजह से हो रहा था, जो कि कहाँ लग रहा था, बाहर की तरफ, और एक अंदर की तरफ लगता है फोर्स, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, ग्रेविटी। दो फोर्स ने इसको संभाल रखा था, लेकिन जैसे ही भैया क्या होता है, इसकी आयरन बन जाता है, आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से ग्रेविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और एनर्जी थ्रस्ट क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, एनर्जी थ्रस्ट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि भैया आपको पता है यहां से ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, आगे जितना जाओगे एनर्जी उतनी ही क्या होगी, कम निकलेगी। ठीक है भैया, तो एनर्जी थ्रस्ट उतना कम हो जाता है, और ग्रेविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा आती है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा तारा, जिसकी रेडियस करोड़ों किलोमीटर होती है, हमारे सूरज की रेडियस जो है वो 14 लाख किलोमीटर है, बहुत छोटा तारा है। ठीक है, सबसे बड़ा तारा मैंने आपको बताया था एक दिन कभी, स्टीफन हैंसन्स, ठीक है भैया, जिसकी रेडियस यहाँ पे रखोगे स्टार, अगर वो अपने सन की जगह पे होता तो वो लगभग सैटर्न वगैरह सबको कवर कर लेता, इतना बड़ा है वो। ठीक है भैया, और उतना बड़ा तारा मात्र क्या होता है भैया, इस छोटे से कोर में कोलैप्स कर जाता है, इस दौरान में इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसको हम सुपर नोवा कहते हैं, सुपरनोवा से जो मटेरियल निकलता है, उसी मटेरियल से हम बने हैं, धरती बनी है, धरती की हर एक चीज बनी है। तो मतलब ग्रेविटी ने जो रोल प्ले किया है वो हमें बनाने के लिए भी किया, अगर ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता, तो आज हमारा अस्तित्व भी नहीं होता, समझ गए भैया, ये हमारी डेली लाइफ में इसका यूज है। ठीक है भैया, लेकिन ये की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होनी चाहिए, अच्छा लगे तो दोबारा सुन लेंगे। ठीक है भैया, चलो समझ गया भैया। ठीक है, अब बात करते हैं भैया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, न्यूटन पैदा हुए, ठीक है, तो और 17वीं शताब्दी में इन्होंने एक लॉ दिया जिसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बवाल खड़ा किया। ठीक है भैया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने बोला भैया कि जो दो मासेस के बीच में फोर्स लगता है, दो मासेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, मासेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स, कौन सा फोर्स लगता है भैया, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, देखिए तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं भैया, तो न्यूटन ने बोला अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन दी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन, भाई प्लीज मूवी इन बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन देयर, भाई प्लीज बोलिए मत, देयर सेंटर इन बिटवीन देयर, कह रहा भैया इन्होंने बोला भैया दो मास है, एक मास क्या है M1 है, और एक मास क्या है भैया M2 है। ठीक है, इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या है, आर है, क्या है, ये दोनों एक दूसरे को फोर्स से खींचते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसे। अब कह रहे हैं जो फोर्स है वो इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के क्या है भैया, डायरेक्टली है, इन दोनों मासेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होगा, उतना ही, ये दोनों एक दूसरे को उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कंडीशन क्या होनी चाहिए, इस केस में आपकी रेडियस क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट। क्यों, अगर मान लीजिए मास बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस भी बढ़ा दिया, तो फोर्स तो फिर वही आ जाएगा, मास कम कर रहे हो, डिस्टेंस भी कम कर दिया, तो फोर्स तो वही आ गया। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना भैया कि जब भी आप मास बढ़ाओगे तो डिस्टेंस क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, और जब आप डिस्टेंस बदलोगे तो मास को क्या करोगे भैया, कांस्टेंट कर दोगे। तो हमने कांस्टेंट डिस्टेंस कांस्टेंट करके यदि मास का प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए भैया, ये 2 kg है, ये 3 kg है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है भैया, 2 मीटर है, क्या है, 2 मीटर है। ठीक है, ये 2 kg है, ये 4 kg है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये 4 kg है, ये
10 केजी है, इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या है, 2 मीटर। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, नीचे वाले में, जहां पर 40, जहां पर प्रोडक्ट क्या आ रहा है भैया आपका, 40 आ रहा है। अच्छा एक चीज देखिए भैया, अगर मैंने मान लीजिए प्रोडक्ट बढ़ाने के साथ साथ इनके बीच की दूरी भी बढ़ा दी तो क्या होगा, तो क्या होगा भैया, फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। तो इसीलिए जब भी आपको एक चीज को बढ़ाओगे, एक वेरिएबल को बढ़ाओगे, तो दूसरा वेरिएबल क्या करना भैया, फिक्स करना। यहाँ पर दो वेरिएबल है, मास और दूसरा क्या है, डिस्टेंस है। अगर आप मास बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, और डिस्टेंस बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो मास कॉन्स्टेंट है, समझ गए भैया। तो एक वेरिएबल को करना, ठीक है भैया। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, जेई में क्वेश्चन पूछा गया भैया, ध्यान रखना, वैसे डायरेक्टली आप कर सकते हो। कह रहा भैया दो मास, एक मास एम है, क्या है ये, एम मास है, कैपिटल एम, इसको किस प्रकार से तोड़े, ठीक है भैया, इसको किस प्रकार से तोड़े दो टुकड़ों में, कि उन टुकड़ों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो, मैक्सिमम है, क्या है ये मास कैपिटल एम है, इसको किस प्रकार से तोड़ा जाए कि इन उन जो टुकड़े बने, केवल दो टुकड़े में तोड़ना है आपको, कि उन दोनों टुकड़ों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो, कैसे तोड़े। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए एम की जगह पे 4 किलो है, बताओ इन दोनों के दो टुकड़े बनाने आपको, और उन दोनों टुकड़ों की वैल्यू क्या होगी, और उनके बीच में फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, बताओ। अगर मैं फोर्स की बात करूं, टुकड़े तोड़ने की बात करूं, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स है, जो भी दो टुकड़े बनेंगे उनको फिक्स डिस्टेंस पर ही रखना है, चाहे टुकड़े कैसे भी बने। अब 4 किलो को तोड़ेंगे तो इसके कई सारी पॉसिबिलिटी होती है कि 1 किलो का बन जाए और दूसरा क्या बन जाए, 3 किलो का, प्लस क्या आएगा, 4 किलो। एक टुकड़ा क्या बन जाए, 2 किलो का, दूसरा भी क्या बन जाए, 2 किलो। एक टुकड़ा क्या बन जाए, आधा की 3 किलो, एक आधा किलो का, दूसरा क्या बन जाए, 3.5 किलो का, ठीक है। एक टुकड़ा बन जाए आपका 0.1 किलो का, दूसरा टुकड़ा क्या बन जाए, 3.9 किलो का। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, रैप्टा मारूंगा, ठीक है, तेरे मुंह के टुकड़े कर दूंगा यहीं पे। अब देखिए भैया सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लगेगा, लास्ट वाले में सबसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आपको फोर्स देखना है भैया, किन टुकड़ों के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, आपको क्या करना है, गुणा करना है, क्या करना है, क्योंकि न्यूटन ने क्या बोला था कि प्रोडक्ट जब सबसे ज्यादा रहेगा तो फोर्स भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब बताओ सबसे ज्यादा प्रोडक्ट क्या रहा है, यहाँ पे कितना रहा प्रोडक्ट, 3 kg square, 3 kg square, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या रहा है, 4 kg, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या रहा है भैया, जो भी आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन केजी स्क्वायर ही आएगा, लेकिन कम आएगा ये, ठीक है भैया, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, केजी स्क्वायर कुछ भी आएगा, करिए ऊपर, ये क्या आएगा, 1.75, और ये कितना आएगा, 0.3, नहीं इतना कम आ रहा है। तो भैया आप जो भी आ रहा है, ठीक है, समझ जाना, वैसे सबसे ज्यादा यही रहेगा, मुझे पता, आपको भी पता होना चाहिए कि जब दो, एक मास को दो इक्वल पार्ट में तोड़ोगे ना, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि उनका प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम है। और जब मैक्सिमम प्रोडक्ट आता है तो फोर्स भी क्या होता है भैया, मैक्सिमम। तो वो टुकड़े क्या है भैया, एम बाय में टू, छी, और दूसरा टुकड़ा भी क्या होगा, एम बाय में टू। इन दोनों टुकड़े के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, सबसे, क्योंकि प्रोडक्ट क्या रहा है, इसी केस में सबसे, 6 kg को कैसे तोड़ूं कि उनके बीच में फोर्स क्या है, 3 पे। अब देखो आईआईटी का क्वेश्चन ऐसी हो क्या, हाँ अब ये तेरे को अभी पता लग गया, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इसका सोल्यूशन दिखाऊं, इसका सोल्यूशन दिखाऊं, अभी देखियो, नहीं नहीं तू नहीं करता, लेकिन इसकी शक्ल तो बनती है ना, ये तो कह सकता है। अभी इसके पापा यहीं से गए, ठीक है, समझिए। तो दो टुकड़े को, किसी मास को आपको हमेशा दो इक्वल पार्ट में तोड़ना, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, समझ गई भी, क्या की? देखिए भी ओए, अगला कह रहा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन देयर सेंटर, उनके सेंटर के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना कम होगा, सेंटर के बीच की दूरी जितनी कम होगी दो मासेस के, फोर्स उतना ज्यादा होगा। इस केस में मासेस क्या करना है आपको, प्रोडक्ट क्या करना है, कॉन्स्टेंट कर देना, ध्यान रखना, ठीक है, समझ गया। अब इन दोनों कंबाइन किया जाता है और आपका रिजल्ट आता है एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसको दिया था कैवेंडिश ने, कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे,
एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ब्लू कलर की लाइन लिखा ना, जेई वगैरह कहीं नहीं आएगा, तो मैं कहीं नहीं कराने वाला, इसकी वैल्यू ध्यान रखना। एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पर जी जो है वो ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है भैया। ये दो मासस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब देखिए हो गया, अभी मत कॉपी करना, अभी थोड़ी बात कॉपी करनी, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, अब ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या, सबको पता भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, यहां पर जी एफ मतलब ग्रेविटेशन फोर्स है, ध्यान रखना, गलत जगह चले जाते हो आप लोग, ठीक है। अब देखिए भैया, पहली प्रॉपर्टी है ऑलवेज एट्रैक्टिव इन, इसका नेचर हमेशा क्या होता है भैया, एट्रैक्टिव होता है, हमेशा दूसरे मास को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ही, रिपेल नहीं करेगा। इसके ऊपर ही सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन इसी के ऊपर है, ठीक है भैया, और सबसे मिस्टीरियस भी है, कि जैसे आप देखो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव भी होता है रिपल्सिव भी होता है, दो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही होता है। जो एटम की न्यूक्लियस होती है उनके अंदर भी जो फोर्स लगता है न्यूक्लियर फोर्स, वो अट्रैक्टिव होता है और रिपल्सिव भी होता है। लेकिन ये ससुरा अट्रैक्टिव अकेला क्यों हो गया, इसके ऊपर सबसे बड़ी बात चल रही है, ठीक है भैया। जब ये थ्योरी, इसका कोई रिपल्सिव ग्रेविटी मिल जाएगी तो भैया मामला सेट हो जाएगा, ठीक है भैया, चलो ढूंढते हैं बाद में, ठीक है। ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर, क्या भैया, इसका नेचर हमेशा क्या होता है भैया, अभी तक की थ्योरी में एट्रैक्टिव नेचर का। दूसरा भैया देखिए, सुन लीजिए, अब यार गरीब आदमी चुप हो जा, दूसरा दूसरा भैया सेंट्रल फोर्स, क्या भैया देखिए, सुन लीजिए, इसको समझिए, सेंट्रल फोर्स कैसा फोर्स है ये, समझे इसको, क्या है सेंट्रल फोर्स का मतलब, देखिए भैया दो मास है ना, चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये दो मास है, इसके सेंटर, इसके सेंटर के बीच दूरी क्या भी है, 2 मीटर है, क्या है 2 मीटर है, मास क्या भी है 4 kg, ये भी मास क्या भी है 4 kg, ठीक है। इसके और इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, एफ है, क्या है, मैंने इस मास को इतना कर दिया और इस मास को इतना कर दिया, और सब ये क्या है, दूरी अभी भी क्या भी है 2 मीटर ही, इसका मास अभी भी क्या है 4 kg, और इसका मास अभी भी क्या है 4 kg, आप देखोगे फोर्स अभी भी उतना ही है। अगर ये फोर्स सरफेस पर डिपेंड करता तो इस केस में सरफेस के बीच की दूरी कम है और यहां पर सरफेस की दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है भैया, लेकिन हम देख रहे हैं भैया कि ये तो सरफेस के दूरी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो सेंटर के बीच की दूरी पे डिपेंड कर रहा है, सेंटर के बीच की दूरी तब भी 2 मीटर थी, अभी भी 2 मीटर है, दोनों केस में फोर्स क्या लग रहा है, सेम ही लग रहा है, इसका मतलब ये फोर्स कैसा है भैया, सेंट्रल फोर्स है, ये केवल सेंटर के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, सरफेस के बीच की दूरी पर डिपेंड, लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे भी है जो सरफेस पर डिपेंड करते हैं, जैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये मॉलिक्यूल्स के सेंटर से और सॉरी सरफेस टू सरफेस लगते हैं, समझ गया, मैग्नेटिक फोर्स और ये भी सर सब सेंट्रल फोर्स है, अब पागल है क्या, ठीक है भैया, तो ये इसीलिए किसे कहा गया भैया सेंट्रल फोर्स, क्योंकि ये क्या लगता है भैया, एक्ट इन बिटवीन सेंटर, कहां से लगते हैं भैया, सेंटर टू सेंटर लगते हैं, समझ गया, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तीसरा कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कंजर्वेटिव इन नेचर, कैसा नेचर होता है इसका, कंजर्वेटिव नेचर कौन होगा, कंजर्वेटिव नेचर का मतलब बता, तू बता दे, कुशाग्र लगा दे, देखिए भैया कंजर्वेटिव का नेचर का मतलब होता है, मार तो बुरा तो नहीं मारा तू, अगर इसको नहीं मारूंगा तो नहीं, फिर कॉल दे, देखिए भैया कंजर्वेटिव नेचर का मतलब होता है भाई, प्लीज देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स मैंने पढ़ाया था आपको और मैंने उसकी 4 प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको और 4 प्रॉपर्टी प्रूफ भी कराई थी मैंने आपको, ठीक है भैया, मैंने कहा था कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया वर्डन क्लोज पाथ में क्या था, 0, राउंड ट्रिप में वर्डन क्या था, 0, याद नहीं आता है,
यानी इसके भी थ्रू बर्डन करोगे एक राउंड ट्रिप में तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, दूसरा दो ही लिखना है, ज्यादा नहीं। ठीक है भैया, बाकी तो हार्ड हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी ना यार, माँ बाप को धोखा मत दे यार, प्लीज सर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या भैया कि इसके द्वारा किया गया वर्डन स्टेट पे डिपेंड करता है, ना कि उस स्टेट के बीच में पाथ पे। पाथ कैसा भी हो तो स्टेट के बीच में, बस स्टेट से मतलब, एग्जाम्पल में स्टेट का मतलब मेरी पहली स्टेट क्या, बोर्ड के पास में। दूसरी स्टेट क्या होगी भैया, दरवाजे के पास। अब मैं किसी भी रास्ते से जाऊं बोर्ड से होता हुआ दरवाजे की तरफ, तो भैया वर्क आपको हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ कैसा भी हो लेकिन दो पॉइंट के बीच में किया गया वर्डन हमेशा क्या है, सेम आया। तो इसका मतलब वो फोर्स क्या है भैया, कंजर्वेटिव है। ये भैया कैसा नेचर का है भैया, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन। अभी बोली नहीं भैया, कंजर्वेटिव नेचर का मतलब होता है वर्क डन इन क्लोज पाथ। क्या आता है भैया, जीरो। इसके थ्रू भी आप क्लोज पाथ में वर्क डन करोगे तो जीरो ही आएगा। दूसरा, वर्क इज इंडिपेंडेंट, वर्क इज नेचर ऑफ पाथ इन बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ दो पॉइंट फिक्स होने चाहिए, उनके बीच में वर्क हमेशा क्या आएगा, फिक्स आएगा। पाथ कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा सीधा टेढ़ा बाएं, पर दो पॉइंट फिक्स होने चाहिए। समझ गया भाई रोमीर, ठीक है समझ गया। अगला है, दो मासेस के बीच में, बीच ऐसे लिखते हैं बड़ी की मात्रा आती है ना, बीच में लगने वाला फोर्स। चुप रहो भैया, फोर्स तीसरे मासस की प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता, थर्ड मास की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता। देखिए देखिए भैया, द फोर्स इन बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। उन दोनों मासेस के बीच में इंटरवेनिंग मीडियम क्या है, तीसरा मास है, चौथा मास है, पांचवा मास है, रहे ना रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दो मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था वही लगेगा, समझिए भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में कोई भी आके बैठ जाए, समझ गया। चलो ये कुछ प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, समझ गए बोला। हाँ चलो भैया, आगे बढ़ते भैया, आगे बढ़ो। पढ़ाते हाँ? पढ़ाया था छठे चैप्टर में, अब तो छुट्टी कर रहा था। हैं देखा कुछ एक बच्चा स्कूल गया, आज आए नहीं, वो गांधी जयंती मनाने के लिए गया, बापू के लिए रो रहे, मेरे बापू वाली वीडियो देख रखी है जिसमें, हाँ अरे भाई आप वो सरदार भाई की कार्ड करवा दी, कौन सी, अरे जो बंदे थे सबसे मैसेज लेटर वाली पूरी कार्ड पे। हाँ अच्छा वाली, वो थोड़ी बाद में दिखाऊंगा, प्राइवेट वीडियो है थोड़ी। हो गया भैया, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ो, हटा दूँ इसे। चलो भैया भाई, प्लीज बोली नहीं। देखिए अगला रहा भी वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भैया जो आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उस डायनासोर क्या हुआ, ठीक है भैया, डिस्प्रेशन में आ रहा है, सेकंड पार्ट,
देखिए भैया, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ध्यान दीजिए भैया, काफी इंपोर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी डेरिवेशन आती है वैसे, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है? और मैं जब आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक कराऊंगा तो मैं लिखवा दूंगा सामने से, बाकी मैं सारा कराऊंगा, ठीक है? कुछ भी टॉपिक कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। तो भैया वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखिए, ये दो मास है, एक मास ये रहा एम वन और एक मास ये रहा एम टू। ध्यान दीजिए बेटा, इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है भैया? आर है। क्या है? ये जहां पर रखा है उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है? आर वन। और ये जहां रखा है उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है? आर टू। कोई दिक्कत तो नहीं? अब पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई। तो अगर आप यहाँ पे कोई चीज रखोगे तो उसकी कुछ पोजीशन तो होगी ना, दो तीन चार पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस, है ना? वैसी होती है कि ये वाला मास जहां पर रखा है उसका पोजिशन क्या है? आर वन। और ये मास जहां रखा है उसकी आर टू। समझ गए? अब देखिए तो भैया, इसकी पोजीशन ये है आर वन, उसकी पोजीशन क्या है? आर टू। ये दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। बोला हाँ। ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है? ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा। खींचेंगे नहीं खींचेंगे? चलो भैया, तो भैया आप देखिए क्या कह रहे हैं, इस मास को ये वाला मास जब अपनी तरफ खींचेगा तो अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, इसे पढ़ेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू ये F12। ये किस पे फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। M1 पे फोर्स लग रहा है ना, M1 पे फोर्स लग रहा है और किधर किधर लग रहा है? M2 की तरफ। किधर लग रहा है? अब एक चीज ध्यान में रखना भैया, इसकी पोजीशन क्या है भैया? R1। और इसकी पोजीशन क्या है भैया? R2। अगर आप दो पोजीशन को माइनस करते हो तो बीच की दूरी पता लग जाती है आपको। अगर मान लीजिए M1 की पोजीशन 2 है, M2 की पोजीशन 10 है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? आठ हो जाएगी। नहीं समझे? दो पोजीशन को अगर आप डिफरेंस करते हो, दो पोजीशन का अगर आप डिफरेंस निकालते हो, आगे जाओ बेटा। हाँ इधर बैठे बेटा, इधर बैठ, इधर बैठ। अरे उठाइए, देखिए भैया। तो अब देखिए भैया, आर वन और आर टू के बीच की दूरी कैसे निकलेगी? तो भैया आर वन माइनस, देखिए जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो आप क्या करते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फोर्स क्या है? ये इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? एक से लेकर कहां जा रहा है? दो की तरफ। यानी एक क्या होगा इसके लिए? इनिशियल होगा। दो क्या होगा इसके लिए? फाइनल होगा। समझ गया? अच्छा, ये मास भी इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा इधर। तो क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन टू ड्यू टू, इसे क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन एम टू ड्यू टू एम वन। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अच्छा, आप देखिए एक बात देखिए कि ये जो फोर्स है, देखिए आपको पता है कोई वेक्टर होता है उसके पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और दो चीज होती है मैग्नीट्यूड और, ठीक है? आप देखिए, तो मैंने कहा भैया कि ये जो फोर्स लग रहा है, अच्छा इन दोनों के बीच की दूरी की अगर मैं बात करूंगा तो आर वन माइनस आर टू, इसमें अगर मैं आर वन माइनस आर टू कर रहा हूं तो इसका मतलब फाइनल कौन है? आर वन। और इनिशियल कौन है? आर टू। और जब इसका मैग्नीट्यूड इसको लिखूंगा भैया, देखिए सुन लीजिए, इसको हम लिखेंगे आर टू से लेके वन। क्या लिखेंगे? इसका मतलब टू क्या है? दो से कहां गए? एक पे गए। दो से कहां गए? यानी दो क्या है? इनिशियल, एक क्या है? हम हमेशा क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। यानी आप दो से एक को क्या लिखते हो? ये लिख सकते हो, ठीक है? अच्छा, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो उसकी वैल्यू लिखते हो आर टू वन। क्या लिखते हो उसको? आर टू वन। देखिए किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको हमेशा ऐसे लिखना। चलो मान लीजिए ये किसके लिए हो गया भैया? ये कौन सा कर्व? ये कब ले रहे हो? जब आप दो से एक की तरफ जा रहे हो, दो से एक की तरफ कौन सा फोर्स जा रहा है? दो से एक की तरफ ये वाला फोर्स जा रहा है। अच्छा, इस वाले फोर्स के लिए लिखता हूं मैं। अच्छा, आर टू माइनस आर वन कर रहा हूं मैं, तो फाइनल कौन है यहां पर? आर टू। और आर वन क्या है? इनिशियल। आर टू क्या है भैया? फाइनल। आर वन क्या है? यानी आप कहां से कहां पे आ रहे हो? आर वन से कहां जा रहे हो? टू की तरफ। आर वन से कहां जा रहे हो? समझ गए? अच्छा, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसको कैसे लिखोगे? आर टू वन। कोई दिक्कत तो नहीं है? आर वन टू आ गया।
अच्छा ये फोर्स ये कब आया, जब एक से दो पे आ रहे हो, एक से दो पे कौन सा फोर्स आ रहा है, ये वाला, ये भैया, यानी इस फोर्स की डायरेक्शन और इस रेडियस की डायरेक्शन सेम है, और इस फोर्स की डायरेक्शन और इस रेडियस